हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टू रियलिटी टेक। आज इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा रेलवे रिक्रूटमेंट की जो एलिजिबिलिटी की मैंने पहले वीडियो एक बनाई थी तो उसका लिंक एक्टिवेट नहीं हुआ था, जो कि 24 को एक्टिवेट होना था लेकिन वो आज 26 को एक्टिवेट हुआ है सुबह। तो आपको कैसे इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई करना है ये पूरा प्रोसेस मैंने आज इस वीडियो में दिखाया है। तो मैं ले चलता हूँ इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर RRC की, जहाँ से आपको इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई करना है। तो आप गूगल पे सर्च करेंगे RRC और ये सबसे पहला URL मिल जाएगा आपको, rrc-wr.com। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ की बाकी जानकारी मैंने पहले क्राइटेरिया के वीडियो में बता दी है, तो आप उसमें से देख लेंगे। अब यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ क्लिक हेयर टू अप्लाई ऑनलाइन का लिंक एक्टिवेट कर दिया गया है। आपको बस यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको एक रजिस्ट्रेशन ID एक पासवर्ड डाल के लॉगिन करना होगा, लेकिन इसके लिए आपको पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा, जिसके लिए यहाँ क्लिक हेयर टू रजिस्टर पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने देखिए इस तरह से फॉर्म आएगा। अब इस फॉर्म को मैं पहले पूरा फिल कर लेता हूँ, फिर आपको बताता हूँ कि कहाँ पे आपको क्या क्या भरना है। तो सबसे पहले आप अपना स्टेट सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद यहाँ पे आई हैव आधार कार्ड नंबर अगर है तो आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे और आधार कार्ड नंबर डालेंगे। लेकिन अगर आपने अप्लाई करा है तो आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे अपना एनरोलमेंट नंबर डालेंगे। उसके बाद यहाँ कैंडिडेट का फुल नेम लिखेंगे, जिसमें फर्स्ट नेम यहाँ लिखेंगे और मिडिल नेम यहाँ लिखेंगे और लास्ट नेम यहाँ लिखेंगे। यहाँ पे एक टेक्निकल एरर है, टाइपो एरर, जिसमें यहाँ मिडिल नेम की जगह लिख दिया गया है इंटर फादर हस्बैंड नेम, जो कि यहाँ सेकंड लाइन का ये ऑप्शन दिया गया है। तो आप यहाँ कंफ्यूज मत होइएगा, ये बाद में अपडेट हो जाएगा, आप गलत डिटेल्स मत भरिएगा। यहाँ कैंडिडेट का ही फुल नेम इंटर होना है। उसके बाद यहाँ फादर नेम या हस्बैंड नेम जो भी है आप यहाँ पर सेकेंड लाइन में इंटर करेंगे। अगर मिडिल नेम है तो डालेंगे, वरना आपको फर्स्ट नेम लिखना कंपलसरी है और ये सर नेम और मिडिल नेम आप ब्लैंक छोड़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ जेंडर है, आप जेंडर सेलेक्ट करेंगे, कम्युनिटी आपकी जो लगती है आप सेलेक्ट कर लेंगे। और मैं फीस का दिखा दे रहा हूँ फिर से एक बार, अगर आपने नहीं देखा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वाला वीडियो मेरा, तो देखिए यहाँ लिखा है SC ST PWD वुमेन एप्लीकेंट आर नो फी रिक्वायर्ड, खाली अदर कैटेगरी को रिक्वायर्ड है और बाकी इन कैटेगरी को फ़ी नहीं पे करनी है। उसके बाद स्क्रॉल करके नीचे आएंगे, यहाँ एक ईमेल आईडी मेंशन करेंगे, एक मोबाइल नंबर डालेंगे, डेट ऑफ बर्थ इंटर करेंगे, कैलेंडर की मदद से आपको सेलेक्ट करना है, तो एज ऑटोमेटिक यहाँ फिल होकर आ जाएगी। अगर आप फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं तो यस करेंगे, और आपको यहाँ सेलेक्ट करना होगा किस टाइप के आप हैंडीकैप हैं, लेकिन आप फिजिकली हैंडीकैप तभी माने जाएंगे जब 40% से ज़्यादा आपकी डिसेबिलिटी होगी, वरना यहाँ पे नो कर दीजिएगा। अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं तो आप यहाँ यस करेंगे, नहीं है तो आप यहाँ नो रहन देंगे। उसके बाद यहाँ क्वालिफिकेशन में आपने ITI किस चीज़ से कर रखा है आप उसको यहाँ सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद उसी के बिहाव से यहाँ एप्लीकेशन ऑफ डेजिग्नेटेड ट्रेड ओपन हो जाते हैं, तो आप यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। अब बस आपको यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करना है। तो आपके सामने इस तरह से पॉपअप में आपकी डिटेल शो होगी। अगर आपको एडिट करना है, कुछ गलत हो गया है, तो आप यहाँ एडिट पे क्लिक करके उसको चेंज कर सकते हैं। लेकिन अगर सब कुछ सही है तो आप यहाँ पे बस कंसर्न देंगे, कंसर्न पे टिक करने के बाद आप यहाँ रजिस्टर पे क्लिक कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो गया और यहाँ मैसेज आ गया, थैंक यू फॉर रजिस्टरिंग, योर रजिस्ट्रेशन ID एंड पासवर्ड इज सेंड टू योर ऑन रजिस्टर्ड ईमेल एंड OTP इज सेंड टू योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, प्लीज़ गो टू द लॉगिन पेज, इंटर द रजिस्ट्रेशन ID एंड पासवर्ड एंड OTP टू वेरीफाई योर ईमेल एंड मोबाइल नंबर। तो आपकी ईमेल ID पे आप और रजिस्ट्रेशन ID और पासवर्ड भेज दिया गया है, लेकिन उसको जब इंटर करेंगे तो एक OTP भी आपको मिली होगी मोबाइल पे, आपको वो इंटर करनी होगी वेरीफाई के लिए। तो इस तरह से आपका मोबाइल नंबर और ईमेल ID दोनों वेरीफाई हो जाएंगे और आप लॉगिन कर सकेंगे। तो लॉगिन करने के लिए आप वापस आपको क्लिक हियर टू लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो वापस इस पेज पे आ जाएंगे। अब यहाँ पे आपको अपनी रजिस्ट्रेशन ID और पासवर्ड डाल के लॉगिन करना होगा। तो चलिए मैं अब इसको इंटर करके फिर आपको आगे का वीडियो दिखाता हूँ। तो आप अपनी मेल जब ओपन करेंगे तो देखिए आपको ये मेल मिल जाएगा रेलवे रिक्रूटमेंट, और मैं इसको ओपन करके नहीं दिखाऊंगा क्योंकि इसके अंदर रजिस्ट्रेशन ID और पासवर्ड है, तो आपको बस इस पर क्लिक करना होगा। अब मैं आगे का प्रोसेस आपको जो लॉगिन पेज है उस पर ले जाके दिखाता हूँ। तो आप अपने ईमेल से कॉपी कर लेंगे अपनी रजिस्ट्रेशन ID, यहाँ पेस्ट कर देंगे, इस तरह से आपको ID मिलेगी। उसके बाद पासवर्ड भी कॉपी करके आप पेस्ट कर देंगे और यहाँ पे अब आपको सिंपली से क्लिक करना होगा। लेकिन अगर आप भूल गए हैं या रिसीव नहीं हुआ है तो फॉरगेट कर सकते हैं, तो यहाँ पे अभी क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अब जो OTP आपको रिसीव हुई थी मोबाइल नंबर पे, यहाँ मोबाइल नंबर शो हो रहा है, मैंने ब्लर कर दिया है, अब वो आपको डालनी होगी। लेकिन अगर OTP रिसीव नहीं हुई तो नीचे रीसेंट का ये बटन है, आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। OTP इंटर करने के बाद आपको यहाँ वेरीफाई मोबाइल पे क्लिक करना होगा। उसके बाद देखिए यहाँ चेंज पासवर्ड करने का ऑप्शन आता है, उसके बाद ही आप प्रोसीड कर पाएंगे। तो आपको जो पासवर्ड मेल पे मिला है पहले वो पासवर्ड कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देंगे, फिर एक नया पासवर्ड क्रिएट करेंगे, उसके बाद पासवर्ड को कन्फर्म करेंगे और अपडेट पर क्लिक कर देंगे।
क्लिक करने के बाद आपके सामने फिर से ये स्क्रीन आ जाएगी। अब आपको फिर से रजिस्ट्रेशन आईडी यहाँ पे इंटर करनी होगी और जो नया पासवर्ड बनाया है आपको वो डाल के लॉगिन करना होगा। तो यहाँ फिर से मैंने रजिस्ट्रेशन आईडी डाल दी है और जो नया पासवर्ड बनाया है उसको मैं इंटर कर देता हूँ। आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो अब आपको डिटेल्स भरने के लिए ऑप्शन मिल जाएगा। आप यहाँ देख सकते हैं इस तरह से ये नोटिफिकेशन शो होगा, सारी डिटेल्स यहाँ शो होती हैं। पासवर्ड फिर से चेंज करना है तो ये चेंज पासवर्ड का ऑप्शन है, तो यहाँ पे आप जहाँ भी अप्लाई करना चाहते हैं आप उसको सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद सेव एंड प्रोसीड का ऑप्शन है, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब क्लिक करके आप नीचे आएंगे तो देखिए यहाँ पे आपको फॉर्म मिल जाएगा, ये पूरा फॉर्म आपको फिल करना है। अब कहाँ पे क्या क्या डिटेल्स फिल करनी है मैं एक बार फिल कर लेता हूँ, फिर आपको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। तो यहाँ पे मैंने डिटेल्स फिल कर ली है, अब मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको बोर्ड सेलेक्ट करना होगा जिससे आपने हाई स्कूल करा है, अगर आंध्र और केरला है तो सेलेक्ट कर लेंगे वरना अदर सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ पर आपको बोर्ड अपना लिखना पड़ेगा। उसके बाद आपने जिस स्कूल से पास करा है स्कूल उसका नेम लिखेंगे, किस ईयर में पास करा है ड्रॉप डाउन में सेलेक्ट करेंगे। अपने हाई स्कूल की मार्कशीट नंबर आपको डालना होगा, यहाँ पे ध्यान रखिएगा सर्टिफिकेट नंबर भी आप डाल सकते हैं लेकिन यहाँ पे मार्कशीट बताया है तो आप मार्कशीट को डालिएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना स्कोर बताना है, तो उसमें कितने आपने अचीव करे थे, तो मैक्सिमम कितने टोटल थे वो आप लिखेंगे, कितने आपने ऑब्टेन करे लिखेंगे और परसेंटेज ऑटोमेटिक आ जाएगी। उसके बाद यहाँ पे करेस्पॉन्डेंस एड्रेस है तो आप अपना एड्रेस पूरा फिल करेंगे, पहले एड्रेस डालेंगे, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे, स्टेट ऑटोमेटिक जब आपने रजिस्ट्रेशन करा था सेलेक्ट कर लिया तो आ जाता है, फिर पिन कोड यहाँ डालेंगे। अब यहाँ पे टेक्निकल क्वालिफिकेशन है तो जो आपने क्वालिफिकेशन सेलेक्ट करी थी वो ऑटोमेटिक आ रही होती है। अब यहाँ पे आपने किस ईयर में पास करा था वो ड्रॉप डाउन में सेलेक्ट करेंगे, अपने सर्टिफिकेट नंबर मेंशन करेंगे, किस इंस्टीट्यूट में आपने पढ़ा था या पास करा था वो आप पूरा नाम लिखेंगे, सर्टिफिकेट किससे इशू करा था किस अथॉरिटी ने आप उसका पूरा नाम लिखेंगे, कितने टोटल मार्क्स से आप लिखेंगे, कितने आपने ऑब्टेन करे यहाँ लिखेंगे और परसेंटेज ऑटोमेटिक आ जाएगा। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें मैंने डेमो की तरह भरी है क्योंकि मैं आपको एज अ डेमो वीडियो बता रहा हूँ, तो आप ये मत सोचिएगा जैसे मैंने इंस्टीट्यूट का नेम यहाँ RLB लिख दिया है और अथॉरिटी का नेम भी RLB लिख दिया है। अथॉरिटी का नेम वो होता है जो सर्टिफिकेट को इशू करता है और जहाँ से आपने पास करा वो इंस्टीट्यूट का नेम होता है, तो आप इस चीज़ में कन्फ्यूज ना होइएगा। उसके बाद यहाँ सेव एंड प्रोसीड का बटन है, आप यहाँ पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद देखिए आपके सामने इस तरह से पेज आएगा। अब यहाँ पे आपको पहले अपनी फोटो अपलोड करनी होगी, फिर सिग्नेचर अपलोड करना होगा जिसके बारे में डिटेल में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की वीडियो में मैंने बता दिया है। तो सबसे पहले आपको फोटो अपलोड करनी है, उसके लिए सेलेक्ट के ऊपर आप क्लिक करेंगे, जहाँ भी आपकी फोटो है आप उसको डबल क्लिक करेंगे तो इस तरह से शो होने लग जाएगी। अब आपको यहाँ अपलोड फोटो पे क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद देखिए इस तरह से मैसेज मिलेगा, तब आप समझिएगा कि आपकी फोटो अपलोड हुई है, आप इसे क्लोज कर देंगे। फिर इस तरह से देखिए सिग्नेचर अपलोड करना है, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, आपने जहाँ सिग्नेचर बना के रखा है आप उसको अपलोड कर लेंगे। उसके बाद यहाँ अपलोड सिग्नेचर पे क्लिक करना हो तो इस तरह से मैसेज आएगा सक्सेसफुली अपलोड का, आप यहाँ क्लोज कर देंगे। अब उसके बाद यहाँ पे आपको SSC मतलब हाई स्कूल की मार्कशीट अपलोड करनी है तो आप यहाँ चूज फाइल करेंगे और ये PDF फॉर्म में होनी चाहिए, इस तरह से पाथ आपका आ जाएगा। आप यहाँ अपलोड पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ इस तरह से नोटिफिकेशन आ जाएगा अपलोडेड हो गई है, और यहाँ क्लोज कर देंगे तो इस तरह से दिखने लग जाएगा। उसके बाद यहाँ आपको बर्थ सर्टिफिकेट अपलोड करना है जो कि PDF फॉर्म में होना चाहिए, इसमें आप हाई स्कूल की मार्कशीट भी लगा सकते हैं या फिर हाई स्कूल का स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट भी लगा सकते हैं। उसके बाद यहाँ अपलोड पे क्लिक करेंगे तो देखिए ये भी अपलोड हो जाएगा, इस तरह से दिखने लग जाएगा। उसके बाद आपने जो ट्रेड कर रखा था ITI आपकी जो उसकी मार्कशीट होगी इसको अपलोड करना होगा। उसके बाद यहाँ पे अपलोड पे क्लिक करेंगे तो ये भी अपलोड हो जाएगा, मैसेज आएगा, आप क्लोज कर देंगे। उसके बाद लास्ट में आपको नेशनल टेस्ट सर्टिफिकेट इशू अगर आपको हुआ है तो अपलोड करेंगे, या फिर प्रोविजनल टेस्ट सर्टिफिकेट है तो आपको अपलोड करना होगा। इसके लिए चूज फाइल करेंगे, PDF फॉर्म में होना चाहिए, बात आ जाएगा, आप अपलोड पे क्लिक करेंगे, अपलोड हो जाएगा। अपलोड होने के बाद पॉपअप आएगा, आप क्लोज कर देंगे। और लास्ट में एक ऑप्शन है कि अगर आपके सारे सर्टिफिकेट हिंदी या इंग्लिश में से हैं तो आप यस रहन देंगे, लेकिन किसी और लैंग्वेज में अगर इशू हुए हैं तो आपको यहाँ नो करना होगा। तो उसके बाद ये सब अपलोड हो जाएगा, आप सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे आपकी सारी डिटेल्स का प्रीव्यू एक बार आपको दिखाया जाएगा, जो जो आपने भरा है, जो जो डिक्लेरेशन और सारे फॉर्म और बर्थ सर्टिफिकेट आपको दिखाएं। तो यहाँ पे मैंने एज अ डेमो डेटा अपलोड करा है, लेकिन आपको सही डेटा क्या क्या करना है वो मैंने बता दिया है। अब यहाँ लास्ट में आप आएंगे तो देखिए यहाँ पे आपको 4 कंसर्न देने होंगे कि आपने सारा डेटा सही अपलोड करा है। उसके बाद सिंपली से सबमिट का बटन है, आप यहाँ सबमिट पे क्लिक कर देंगे। सबमिट पे क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ 100 रुपये का पेमेंट है, जो कि मैंने बता दिया था, फिर से मैं दिखा दे रहा हूँ कि यहाँ पे आप देख सकते हैं जो पेमेंट है वो खाली UR को OBC को करना है, और ये देखिए यहाँ हाईलाइट है, नो फी रिक्वायर्ड फॉर पे टू SC ST PWD वुमेन एप्लीकेंट, खाली 100 रुपये UR को OBC को इन लोग को पे करना है, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पेमेंट के लिए आएंगे तो पहले आपको पेमेंट करना होगा, पेमेंट के बाद आपको रिसिप्ट जनरेट होगी, उस रिसिप्ट को आपको रख लेना है। उसके बाद यहाँ पर रिसिप्ट का वेरीफाइड पेमेंट होना है। अगर आप SC ST PWD या वुमेन एप्लीकेंट है तो ये आपके पास स्क्रीन नहीं आती है, इससे पहले वाली स्क्रीन पे जब आपने सबमिट पे क्लिक करा था आपका फॉर्म उसी वक्त सबमिट हो जाता है और आप उसको प्रिंट निकाल के रख सकते हैं।
लेकिन अदर कैटेगरी के लिए यहाँ पेमेंट करना होगा। उसके लिए यहाँ पहले मेक पेमेंट पे क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ इस तरह से ये ओपन होता है। SBI के कुछ ऑप्शंस मिलते हैं, जैसे योनो, अदर बैंक डेबिट कार्ड, SBI का डेबिट कार्ड, और यहाँ अदर बैंक का डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड। तो यहाँ आपके पास बेस्ट रहेगा अदर बैंक का डेबिट कार्ड पे आप यहाँ क्लिक करिए। तो क्लिक करने के बाद आपके सामने देखिए इस तरह से स्क्रीन आएगी, जिसमें ये मर्चेंट नंबर है, यही नंबर आपको वेरीफाई में भी डालना होगा। अमाउंट भी हो सकता है पूछा जाए, क्योंकि जब तक पेमेंट नहीं करेंगे वो स्क्रीन खुलेगी नहीं। इसलिए मैं जो बाकी डिटेल्स हैं वहाँ पे क्या क्या फिल करना है ये मैं बता नहीं पाऊंगा, जब तक एक बार आप पेमेंट नहीं कर लेते। वैसे नॉर्मल यही डिटेल्स को वहाँ फिल करा जाता है। तो यहाँ पे जो अमाउंट है आप उसको पे करने के लिए यहाँ कन्फर्म का बटन है, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपको देखिए फिर से इसी तरह से पेज आ जाएगा। आपको फिर से एक बार कन्फर्म पे क्लिक करना होगा। तो क्लिक करने के बाद अब देखिए यहाँ पे आपको जो अमाउंट है आ जाता है और ट्रैक आईडी आ जाती है। तो वहाँ हो सकता है मर्चेंट ट्रांजेक्शन नंबर, ट्रैक आईडी, ये सब चीज़ें आपको फिल करनी हो तो आप ये सब चीज़ें नोट डाउन करके रखेंगे। तो वैसे आपको जब पेमेंट करते हैं तो पूरी रिसिप्ट जनरेट हो जाती है, आप उस रिसिप्ट का भी प्रिंट निकाल लेंगे। अब यहाँ पे जिसका भी ATM इस्तेमाल कर रहे हैं उसका कार्ड नंबर, एक्सपायरी मंथ, ईयर, जिसके नाम पे कार्ड इशू है आप उसका नेम लिखेंगे, CCV नंबर, कार्ड के पीछे 3 नंबर का लिखा होता है आप डालेंगे, ये कैप्चा कोड यहाँ इंटर करेंगे और पे कर देंगे। पेमेंट करने के बाद आपको रिसिप्ट जनरेट हो जाएगी, उस रिसिप्ट से ही आपको वेरिफिकेशन करना होगा। आप तो पेमेंट करते ही रिडायरेक्ट आपको यहाँ मैं दिखा दे रहा हूँ बैक करके। तो यहाँ पे जैसे ही आप पेमेंट कर लेंगे ऑटोमेटिक इस स्क्रीन पे आ जाएंगे और यहाँ पे आपको वेरीफाई पेमेंट पे क्लिक करके पेमेंट करना होगा। मैं एक चीज़ और बता दूँ, अगर किसी वजह से आपका नेट क्लोज हो जाता है और या फिर सिस्टम बंद हो जाता है तो कोई बात नहीं, आपने जहाँ तक का फॉर्म भर दिया है या फिर आप पेमेंट तक यहाँ तक आ गए हैं तो आपका फॉर्म फिल रहता है। आपको बस दोबारा से लॉगिन करना होगा अपने नए पासवर्ड और रजिस्ट्रेशन आईडी से, और आपको बस डायरेक्ट आके पेमेंट कर देंगे, आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। तो अभी मैं आपको दिखाने के लिए देखिए यहाँ वेरीफाई पेमेंट पे जैसे ही क्लिक करूंगा तो यहाँ पे बताया है कि जब तक पेमेंट नहीं करेंगे तो वेरीफाई नहीं कर सकते, तो देखिएगा ये ऑटोमेटिकली लॉग आउट कर देगा या फिर ये बंद हो जाएगा। तो देखिए मैं यहाँ क्लिक कर देता हूँ वेरीफाई पेमेंट पे, तो आप ये गलती मत करिएगा। देखिए आ गया पेमेंट अबाउट कैंसिल, यू हैव कैंसल द पेमेंट ट्रांजेक्शन प्रोसेस, क्लिक टू बिलो बटन टू री लॉग इन एंड कम्प्लीट योर एप्लीकेशन फी पेमेंट। तो यहाँ जब तक आप फी पेमेंट नहीं करेंगे वेरीफाई पेमेंट नहीं कर सकते। तो ये पूरा प्रोसेस था किस तरह से आप यहाँ RRC में ऑनलाइन अप्लाई करेंगे अप्रेंटिस की जॉब के लिए। आई होप आप समझ गए होंगे ऑनलाइन अप्लाई करने में अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक करिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए। इस तरह की मोर इन्फॉर्मेशनल वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आपके मन में अभी भी कोई डाउट या क्वेश्चन है तो आप नीचे मुझे कॉमेंट में पूछ सकते हैं। Thanks for watching my video.